उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती को लेकर इंतजार खत्म, तय हो गया इस दिन आएगा नोटिफिकेशन। आवेदन करने के लिए जान ले आवश्यक शर्तें ताकि ना हो कोई दिक्कत। इंतजार हुआ खत्म, यूपी पुलिस सिपाही भर्ती पर मिली गुड न्यूज। यूपी पुलिस की परीक्षा हाइब्रिड तरीके से होगी संचालित, प्रश्न पत्र स्क्रीन पर और जवाब ओएमआर पेपर पर लिखना होगा। जी हाँ, अगर आप यूपी पुलिस विभाग में नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो फिर ये खबर बड़े काम की होने वाली है। सरकार अब जल्द ही यूपी पुलिस विभाग में कांस्टेबल पदों के लिए बम्पर भर्ती निकालने जा रही है। ये भर्ती देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में निकाली जाएगी, जिसका नोटिफिकेशन जल्द ही जारी करने जाने की संभावना भी जताई जा रही है। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार करीब 62,000 पदों पर यूपी भर्ती निकालने जा रही है, जिसकी अधिसूचना किसी भी दिन जारी हो सकती है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड ने आधिकारिक तौर पर तो नोटिफिकेशन की तारीख पर कुछ नहीं कहा, लेकिन मीडिया की खबरों में बड़ा दावा किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड की तरफ से आवेदन करने के लिए कुछ जरूरी शर्तें तय की जाने की संभावना मानी जा रही है। अगर आप यूपी के निवासी हैं और सिपाही की तैयारी में जुटे हुए तो पहले जरूरी शर्तें जान लें, जिससे किसी तरह की कोई दिक्कत का सामना आपको ना करना पड़े। इसके लिए सबसे पहले आप 12वीं पास और उत्तीर्ण होने चाहिए। अगर आप 12वीं पास हैं तभी आवेदन कर सकेंगे। इसके साथ ही चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा के बाद PET, PMT, डिटेल मेडिकल परीक्षा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना भी शामिल होगा। वहीं ताजा जानकारी के अनुसार यूपी पुलिस परीक्षा हाइब्रिड आधार पर आयोजित कराए जाने की संभावना है। इसके साथ ही पेपर कंप्यूटर स्क्रीन पर उपलब्ध होना तय है। उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से सिपाही भर्ती को लेकर कुछ जानकारी सामने आई है, जिसकी चर्चा हर जगह हो रही है। इसमें पुरुष और महिला कांस्टेबल, SI और अन्य पदों के लिए 62,424 वैकेंसी होनी तय है। इसमें 2,469 सब इंस्पेक्टर, 52,699 कांस्टेबल, 2,430 रेडियो ऑपरेटर के लिए, 545 लिपिक कैडर के लिए, 927 कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए, 2,833 जेल वार्डन के लिए और 521 स्पोर्ट्स कोटा नागरिक पुलिस भर्ती के लिए भरे जाएंगे। आप योग्यता के अनुसार फटाफट आवेदन कर सकते हैं। जो उम्मीदवार यूपी पुलिस भर्ती के पद के लिए आवेदन कर रहे हैं उन्हें आवश्यक शुल्क भुगतान करना होगा। जनरल OBC कैटेगरी के लिए आवेदन फीस ₹400 हो सकती है। वहीं SC/ST कैटेगरी के लिए कैंडिडेट को फीस में थोड़ा बहुत छूट मिलेगा। फीस का भुगतान नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन कर सकते हैं। वैसे अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको अधिक से अधिक शेयर करें, और अगर इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें, और अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बने रहें JT News के साथ।